दोस्तों सब्सक्राइब करो अकॉस्टिक शुभम वर्मा चैनल को और इस बेल आइकन को दबाओ नए गानों के इजी गिटार लेसन को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स प्लीज खा लो। भाई साहब इसका जो स्वाद है ना मतलब गजब है। मैं ये ग्रीन लीव रोज खाता हूँ, मतलब ये समझ लो ये नशा हो गया। Hey guys, what's up? Welcome back to my channel, Acoustic Show, मेरे माता। तो कैसे आप सभी? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेसिक सी बातें बताऊंगा, लेकिन ये बेसिक सी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानने के लिए। तो आज की इस वीडियो में जो बातें हम कवर करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्शन क्या होता है, लो एक्शन हाई एक्शन क्या होता है, ठीक है। गिटार का नेक अगर बैंड हो जाए, स्ट्रिंग्स अगर गिटार से ऊपर हो जाए या फिर एकदम चिपक जाए, तो उसको किस तरीके से हम सही करें घर पे ही, ठीक है, खुद से। गिटार को रखने का क्या तरीका है ताकि गिटार की जो लाइफ है वो एक्सटेंड हो सके, उसको हम बढ़ा सकें, क्योंकि हमारी ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है रखने का तरीका और जो ये मैं बातें बोल रहा हूँ, अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो आपका चाहे महंगा गिटार हो, चाहे अच्छा गिटार हो, चाहे सस्ता गिटार हो, वो बहुत ही जल्दी जो है डैमेज हो जाते हैं, उनके नेक्स में प्रॉब्लम आ जाती है, नेक बैंड हो जाते हैं, प्ले करते वक्त फिर प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर वो ठीक भी नहीं हो पाते। तो ये सब चीजें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सब देख रहे हो, आज मेरे पास गिब्सन का गिटार है। ये मेरा सबसे पहला गिटार है जो मैंने सीखने के टाइम पे खरीदा था, जब मेरे को गिटार का जी भी नहीं पता था तब मैंने ये गिटार खरीदा था। और जो बातें मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर वो बातें मेरे को उस वक्त पता होती तो शायद आज ये गिटार वर्किंग कंडीशन में होता और बहुत ही अच्छा प्ले हो रहा होता। अभी भी प्ले कर सकते हैं हम, लेकिन अब इसमें बजिंग की प्रॉब्लम आ गई है, क्यों? क्योंकि इसका नेक जो है बैंड हो गया है। तो एक्शन क्या होता है? एक्शन का मतलब है दोस्तों कुछ नहीं, एक्शन मेरे से सब कमेंट में पूछते रहते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि सर एक्शन को कैसे सेट करें, एक्शन एक्चुअली होता क्या है, हाई एक्शन क्या होता है, लो एक्शन क्या होता है, ये वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें एक ही है कि गिटार बैंड हो गया, स्ट्रिंग्स ऊपर हो गई, नीचे हो गई, एक्शन फलाना ढिंका नहीं, ये सारी बातें एक ही है, बस हम अलग अलग तरीके से इसको बोलते हैं। तो एक्शन कुछ नहीं है दोस्तों, एक्शन का मतलब है हमारा गिटार की जो स्ट्रिंग्स है हमको, हम उसे किस तरीके से एडजस्ट करके रखा है। लो एक्शन का मतलब है कि गिटार की स्ट्रिंग्स फ्रेटबोर्ड से एकदम चिपकी हुई है, एकदम पास में है। और हाई एक्शन का मतलब है कि जो स्ट्रिंग्स है वो ऊंची है, फ्रेटबोर्ड से ऊपर की तरफ में, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज है, इसको हम ठीक कैसे करें? एक्शन को हाई करने के लिए, लो करने के लिए, नेक को स्ट्रेट करने के लिए, स्ट्रिंग्स को पास लेवल पे लाने के लिए, इन सब चीजों को ठीक करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए जिस टूल का हम यूज करते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं हम एलन की। वो कुछ इस प्रकार की होती है, जैसे कि आप देख रहे हो ये मार्केट में, ये वैसे तो एक गिटार के साथ फ्री में मिलती है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी हार्डवेयर की दुकान से इसको परचेज कर सकते हो, 10-15-20 रुपए की आती है। 3 mm साइज है इसका। इसका यूज हमें किस तरीके से करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। दो कंडीशन होती है दोस्तों, एक होती है कॉनकेव, एक होती है कॉन्वेक्स, ठीक है। जैसे कि स्ट्रिंग्स है, ये नेक है, ये अभी एकदम सीधे सीधे है दोनों, तो प्रॉपर कंडीशन में है। लेकिन अगर हमने जैसे कि गिटार को रखा हुआ है, हमेशा ट्यून करके रखा हुआ है, प्ले नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो गिटार है वो कॉनकेव की शेप ले लेगा। जब वो कॉनकेव की शेप ले लेगा तो स्ट्रिंग्स जो है हाई हो जाएंगी, स्ट्रिंग्स जो है फ्रेटबोर्ड से ऊंची हो जाएंगी, तो आपको प्ले करने में आएगी प्रॉब्लम, ठीक है। या फिर वो, या तो वो कॉनकेव की शेप ले लेगा या फिर वो ले लेगा कॉन्वेक्स की शेप, कॉन्वेक्स की शेप में वो एकदम चिपक जाएंगी स्ट्रिंग्स। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, ये जो है स्ट्रिंग्स एकदम पहले फ्रेट पे एकदम देखो कितनी पास है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है तो स्ट्रिंग्स जो है फ्रेटबोर्ड से काफ़ी ऊंची होते चली जा रही है। तो ये क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि नेक जो है बैंड हो गया कॉनकेव की शेप में, तो और स्ट्रिंग्स हो गई है काफ़ी, इसका जो एक्शन है गिटार का वो हाई हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो 5th फ्रेट से ये देखो कॉनकेव की शेप ले रखा है, यहाँ 5th फ्रेट से लेके पूरा यहाँ तक इसने जो है कॉनकेव की शेप ले लिया, और इसकी वजह से गिटार का एक्शन काफ़ी हाई हो गया है। और क्योंकि इसमें एडजस्टेबल ट्रस रॉड का ऑप्शन नहीं है तो इसको हम जो है ठीक नहीं कर सकते। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है ज़्यादातर लोकल गिटार जो सस्ते गिटार आते हैं उनमें इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है आती है। तो इन्हें कैसे हमें प्रिवेंट करना है वो मैं अभी आपको तरीका बताऊँगा। जैसे कि आपने देखा ये जो है मेरे इस नेक ने कॉनकेव की शेप ले ली है, कि कॉनकेव की शेप लेने की वजह से स्ट्रिंग्स जो है हाई हो गई है, और क्योंकि इसमें एडजस्टेबल ट्रस रॉड का ऑप्शन नहीं है इसलिए मैं इसको सही नहीं कर सकता, इसलिए खराब हो गया है दोस्तों,
खराब क्या मतलब कि प्ले करने को हम कर सकते हैं, अगर कोई अच्छा गिटारिस्ट है तो वो प्ले कर सकता है, लेकिन एक जो बजिंग का साउंड आता है वो आता ही रहेगा इस गिटार में। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको वो गिटार दिखाता हूँ जिसे मैं हमेशा प्ले करता हूँ। ये है दोस्तों मेरा टॉरस का गिटार है, बहुत ही प्यारा सा, और जब से मैंने इस पे लोगो लगाया तब से तो बहुत ही सुंदर हो गया ये, और बहुत लोग सभी ज्यादा सब्सक्राइबर्स, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स तारीफ करते हैं गिटार की, सर आपका गिटार बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये जो गिटार है ये है एकदम प्रॉपर कंडीशन में। पहले वाले गिटार के मुकाबले दोस्तों आप इस गिटार में देखेंगे तो फ्रेट और स्ट्रिंग्स की जो दूरी है वो एकदम इक्वल है, एकदम प्रॉपर है। ना इसका एक्शन ज़्यादा हाई है, ना इसका एक्शन ज़्यादा लो है। आप देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा एकदम इक्वल है, एकदम प्रॉपर कंडीशन में है। तो ये एकदम दोस्तों जो है प्रॉपर कंडीशन होती है। अगर हम गिटार को मेंटेन करके रखेंगे तो हमेशा जो है कंडीशन फ्रेटबोर्ड की, हमारे नेक की, हमेशा एकदम स्ट्रेट बनी रहेगी। तो जैसे कि आपने देखा इसका जो फ्रेटबोर्ड है और जो स्ट्रिंग्स है वो एकदम प्रॉपर है, इसका जो एक्शन है वो एकदम सही है, और जो पहले वाले का एक्शन था उसका एक्शन हाई था। कंपैरिजन करें अगर हम दोनों गिटार का एक साथ, तो जो गिब्सन का गिटार है उसका आप देख सकते हो एक्शन कितना हाई है, और टॉरस का गिटार एकदम प्रॉपर कंडीशन में है क्योंकि उसको मैं हमेशा तरीके से रखता हूँ। गिब्सन के गिटार की नेक बैंड हो गई है क्योंकि उसको मैंने कभी भी तरीके से नहीं रखा। एक्शन हाई का मतलब कि स्ट्रिंग्स आपकी ऊंची हो गई है, और लो एक्शन का मतलब कि स्ट्रिंग्स आपकी एकदम चिपक गई है। ठीक है, तो ये बहुत ही क्लियर सी बात है। दोस्तों एलन की को हम साउंड होल में से जो है लगाते हैं, नेक जॉइंट से हम अपने ट्रस रॉड को एडजस्ट करते हैं, एक्शन को हाई और लो करते हैं। ठीक है, तो ये जगह है, यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा करके एक्शन को लो और हाई करते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि जो साउंड होल के अंदर जो है एलन की को लगाने का हमारा जुगाड़ होता है, तो अगर हमारा एक्शन काफ़ी हाई है, ठीक है, अभी मैं इसको नहीं घुमाने जा रहा हूँ बिल्कुल भी, मैं बस आपको बता रहा हूँ मैं इसको नहीं घुमाने जा रहा हूँ। अगर आपके गिटार का एक्शन हाई हो गया, स्ट्रिंग्स आपकी ऊंची हो गई है, तो आपको एलन की लगा के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, धीरे धीरे घुमाना है। अगर आपकी स्ट्रिंग्स एकदम चिपक गई है फ्रेटबोर्ड से, तो आपको एलन की लगा करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। जैसा आपको कंफर्टेबल हो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से अपने गिटार का एक्शन सेट कर सकते हो। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है यहाँ पे दोस्तों, जब भी हम इसको करेंगे सबसे पहले तो एकदम स्ट्रिंग्स को लूज छोड़ देना है, जैसे कि एकदम स्ट्रिंग्स अभी मेरी लूज है। स्ट्रिंग्स को लूज करके बहुत धीरे धीरे जो है हमें इसे रोटेट करना है दोस्तों, एकदम से ही नहीं कर देना है। और एकदम से अगर आप ज्यादा, अगर आप सपोज आपका स्ट्रिंग कॉन्वेक्स की शेप में आ गया है, स्ट्रिंग्स जो है आपकी एकदम चिपक गई है, ठीक है, एक्शन आपका जो है काफी लो हो गया है, तो आपको हल्का हाई एक्शन करना है, लेवल पे लाना है, तो आप क्या करोगे इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे, तो आपने जैसे ज्यादा घुमा दिया तो आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अगर आप ज्यादा घुमाओगे तो कम से कम एक दिन लग जाता है, अगर आप हल्का हल्का कर रहे हो तो 15-20 मिनट या 5-10 मिनट में वो असर दिख जाता है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैंने यह वाला गिटार खरीदा था नया, तो मैं इसी को चेक कर रहा था, तो मेरा तो उस वक्त एकदम प्रॉपर कंडीशन में था, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको एक्शन को हाई कर दिया और मैं घुमाता गया लेकिन कुछ हुआ नहीं। और भाई साहब जब मैं अगले दिन देख रहा हूँ उठ के, मेरी स्ट्रिंग्स ये फ्रेटबोर्ड से इतनी ऊंची, मैंने कहा ये क्या हो गया, एकदम मतलब इतनी गंदी कंडीशन में आ गया था गिटार, उस वक्त खराब हो सकता था दोस्तों। तो ये बहुत ही सावधानी से करना है, क्योंकि अगर आपने इसमें गड़बड़ कर दी तो आपका जो नेक है वो हमेशा हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इतना आसान नहीं है जितना मैंने बता दिया, लेकिन इसको आसान है ये, लेकिन सावधानी से करोगे तो बात बनेगी दोस्तों। अगर आप कहीं भी जा रहे हो, आपको पता है कि आप गिटार नहीं प्ले करने वाले हो एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, महीने, हफ्ते, साल भर के लिए, तो हमेशा स्ट्रिंग्स को एकदम लूज छोड़ दो। लूज छोड़ के गिटार को रखोगे तो जन्मों जन्मों तक आप गिटार को रखे रखो, आपका नेक कभी भी बैंड नहीं होगा। जब मैंने नया गिटार लिया था मेरे को नहीं पता था, मैंने हमेशा प्रॉपर ट्यूनिंग में करके रखता था गिटार को, और महीनों महीनों तक प्ले नहीं करके रखता था, और टेढ़ा करके ऐसे रख देता था, तो एक तो टेढ़ा करके रखता था तो जोर पड़ता था, ऊपर से एकदम टाइट स्ट्रिंग्स ट्यूनिंग में, और ट्यून जब स्ट्रिंग्स रहती है तो वैसे ही इस पर बहुत ज़्यादा जो है टेंशन प्रोड्यूस होता है, तो अपने आप इस पर खिंचाव आता है, तो नेक जो है हमारी बैंड हो जाती है। तो अगर आप जब भी गिटार नहीं प्ले कर रहे हो, अगर एक दिन के लिए भी नहीं प्ले कर रहे हो, तो स्ट्रिंग्स को एकदम लूज करके बेफिक्र होकर रखो गिटार को, आपका गिटार कभी भी डैमेज नहीं होगा दोस्तों। मैं हमेशा अपनी स्ट्रिंग्स लूज करके रखता हूँ, अगर मेरे को पता है मैं एक दिन के लिए भी कहीं बिजी हूँ, जैसे मैं नहीं प्ले कर पाऊंगा, तो मैं हमेशा लूज करके रख देता हूँ गिटार के स्ट्रिंग्स को।
तो ये थी दोस्तों चीजें, ये थी प्रिकॉशंस जो कि आपको अपनानी है, और ये थी कुछ बेसिक सी नॉलेज मैंने आपको बताया। होप दोस्तों आप लोगों को ये चीजें पसंद आई होगी। बहुत लोगों ने इस वीडियो को इस टॉपिक के लिए जो है मुझसे कहा था, एक्शन वगैरह के लिए, स्ट्रिंग्स को ऊपर नीचे के लिए, तो मैंने बना दिया है आज। होप दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे साथ लेस खाते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, कमेंट करके मेरे को बता देना नीचे, कोई दिक्कत होती है तो पूछ लेना कमेंट करके, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। इंस्टाग्राम पे फॉलो तो कर लो यार, आप लोग तो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी नहीं करते। मेरे को 7,500 सब्सक्राइबर हो गए मेरे, लेकिन 450 लोग फॉलो करते हैं यार, हद होती है।